हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, इस वीडियो दे विच असी क्लास प्लस टू का फिजिक्स का सैंपल पेपर डिस्कस करन जा रहे हैं। सो सितंबर बाई मंथली टेस्ट आ बच्चे 2021 का। सो सैंपल पेपर इस वीडियो दे विच असी डिस्कस करांगे। सब तो पहला बच्चे, पेपर डिस्कस करन तो पहला आप स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा पेपर जिहड़ा आ 2 घंटे का आएगा और 35 मार्क्स आएगा, जिहदे विच 35 MCQs होणगे 1-1 मार्क्स से। ठीक है जी। सो सब तो पहला तुसी सिलेबस देखो, 25% सिलेबस थोड़ा अप्रैल और मई दे सिलेबस दे विचों आएगा। अप्रैल और मई दे विच बच्चे तुसी यूनिट फर्स्ट एंड सैकेंड कीता सी। ठीक है। सो फर्स्ट एंड सैकेंड दे विचों जिहड़ा आ वह 25% आएगा। 25 मतलब कि टोटल 10 मार्क्स। सो इन्हां दोनों चो टोटल 10 मार्क्स आएंगे। आप मान लें कि यूनिट 1 चो 5 क्वेश्चन आएंगे और यूनिट सैकेंड दे विचों 5 क्वेश्चन आएंगे। सो टोटल हो गए थोड़े 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 मार्क्स। यदा मतलब यूनिट फर्स्ट एंड सैकेंड जोड़ा आ टोटल 10 मार्क्स आएगा। ठीक है। उस तो बाद देखो 75% सिलेबस थोड़ा जुलाई और अगस्त तक का आएगा। ठीक है। 75 मतलब अगर असी 35 का बचे 75% निकालीए तो बन जाते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है। सो यदा मतलब यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये तुसी जुलाई अगस्त के सिलेबस के विच कीता सी, क्योंकि बच्चे फिफ्थ यूनिट बहुत ज़्यादा वड्डा नहीं आ। मान लें कि 5 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का थोड़ा यूनिट 4 आएगा और 10 मार्क्स का यूनिट 3 आएगा। इहदा मतलब जो तुसी अपने पेपर की प्लस टू फिजिक्स की तैयारी करनी स्टार्ट करोगे तो ट्राई करो कि यूनिट थर्ड एंड फोर्थ पहला कर लो, क्योंकि बच्चे दे विचों सीधा सीधा 20 मार्क्स का पेपर बहुत ज़्यादा वड्डी अमाउंट कह लो, 20 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के विचों आएगा। ठीक है। यूनिट 1, 2 और यूनिट 5 के विचों 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली बच्चे पेपर की तैयारी करना, ताकि थोड़े पेपर की तैयारी वधिया तरीके ना हो सके। ठीक है। सो बच्चे, वीडियो स्टार्ट करन तो पहला मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्हें भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज़ वीडियो नू लाइक जरूर कर दो और सबसक्राइब करना ना भुलना। सो कल दी मैं वीडियो दे विच प्लस वन दी वीडियो दे विच फील किया कि 76-77% बच्चे अनसबसक्राइब्ड वाले सी। सो वीडियो तो बहुत सारे बच्चों ने लाइक की, बट सबसक्राइब करना भुल गए। सो जिदा ही तुसी वीडियो लाइक करूँगे बच्चे, नाल दी नाल सबसक्राइब वाला बटन जिहड़ा आ जरूर दबा देना। ठीक है। चैनल नू सबसक्राइब कर देना और बैल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फिजिक्स दी रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आती है तो थानू जिहड़ा नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ, गॉस लॉ या गॉस थ्यूरम, बोथ आर सेम थिंग। कहते ये कि स्टेटमेंट करैक्ट नहीं आ। अदरवाइज बच्चे मैं सुजैसट करती हाँ कि जो भी तुम MCQs का टेस्ट देना या पेपर देना, हमेशा क्वेश्चन पढ़ो और अपने दिमाग के अंदर जड़ा आ क्वेश्चन का आंसर जड़ा आ कंसिडर करो। पर कुछ MCQs इदा के होंगे कि थानू जी ऑप्शनस आ पढ़निया ही पैनगियाँ। जिदा कि हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट जी सही नहीं आ। सो फर्स्ट देखो, गॉस लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। सो बच्चे बिल्कुल सही गल है कि जिन्हें भी क्लोज्ड सरफेस होंदा है उन्हें असी गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट तो बिल्कुल सही आ। सैकेंड देखो, द टर्म क्यू ऑन अ राइट साइड ऑफ अ गॉस लॉ इनकलूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जिज इनकलोज्ड बाय द सरफेस। ये भी बिल्कुल सही है। असी की लिखते हैं, क्लोज्ड इंटैग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, बच्चे याद होएगा ई डॉट डी एस जड़ा इज इक्वल्स टू के इक्वल क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब कि टोटल चार्ज, उन्होंने क्या राइट साइड पर, राइट साइड मतलब ई डॉट डी एस की गल कर रहे हैं। इनकलूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जिज इनकलोज्ड बाय द सरफेस, जिन्ना भी सरफेस के उपर चार्ज होंगे वो सारे का सारा इनकलोज कर लेंगे, ये सारा ही चार्ज आ जाता। तो बिल्कुल सही है, जो भी असी गॉस थ्योरम की गल करते हैं तो अगर आ गॉसियन सरफेस आ, ये उत्ते जिन्ना भी चार्ज असी सारे चार्ज की गल करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर चार्ज की गल करते हैं। ठीक है। सो सैकेंड पॉइंट भी जड़ा आ बिल्कुल सही आ। थर्ड देखो, गॉस लॉ इज़ नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वैन द सिस्टम हैज़ सेम सिमेट्री। कहते ज़्यादा यूजफुल नहीं आ गॉस थ्योरम के इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। बच्चे जबकि इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए ही असी गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं। सो जड़ा पॉइंट आ गलत आ। उन्होंने की बोलिया आ कि नॉट मच यूजफुल, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं आ, जबकि ये यूजफुल हैगा आ। ठीक है। डी पॉइंट देखो, गॉस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर
डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कॉन्टेंड इन द कूलम्स लॉ। सो थर्ड पॉइंट भी सही है, इहदा मतलब सिर्फ सी पॉइंट आ जिहड़ा करैक्ट नहीं हैगा। सो आंसर किन्ना आ जाएगा, सी पॉइंट। नैक्सट आ जाओ, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, उन्होंने बोलिया फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ डिवाइडेड बाय क्यू, बच्चे किहदे इक्वल हुंदा आ, ई दे इक्वल। सो ई की आ तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन दे विच देख लो, लभ लो इलैक्ट्रिक फील्ड है। सो बी नंबर ऑप्शन आ इलैक्ट्रिक फील्ड। सो आंसर किन्ना आ जाएगा, बी। ठीक है। सो बच्चे जिदा हुण सैकंड क्वेश्चन आ, ट्राई करो कि इनू सॉल्व करके जिदा मैं थोनू आ लिख के दिखाया, ठीक है, इदा लिख के दा आंसर देखो कि होएगा, तो ऑप्शन लभ लो। जे तुसी डायरेक्ट ऑप्शनस पढ़ोंगे, जिदा ही क्वेश्चन पढ़िया, पढ़न तो बाद ऑप्शनस पढ़ोंगे, तो तुसी कन्फ्यूज़ हो जाऊंगे कि ए ऑप्शन आनी आ, बी आनी आ कि सी आनी आ। सो ट्राई करो कि पहला उन्हों सॉल्व करके देख लो। ठीक है। नैक्सट आ जाओ, एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस विच बच्चे परमेबिलिटी का एसआई यूनिट कितना होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। सो सी ए दा ऑप्शन होएगा। अगे आ जाओ, वैन एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ डायलैक्ट्रिक मीडियम ऑफ कॉन्सटेंट के, मान लो कि कहिंदे एयर नूं रिप्लेस कर दिता, तुहाडे को कोई सिस्टम आ उहदे अंदर की सीगा डायलैक्ट्रिक स्लैब नूं असी कढ दिता, बाहर कढ दिता, इहदी जगह ते हवा भर दिती। अगर हवा भर दिती मीडियम ऑफ कॉन्सटेंट के, जिहदा डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट किन्ना आ के, द मैक्सीम फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जिस सैपरेटड बाय अ डिस्टेंस, तो किन्ना फर्क होएगा। सो आप इनू सॉल्व करके देखते हैं, फिर ऑप्शनस ते चलांगे। ठीक है। सब तो पहला बच्चे इनू स्टैप वाइज करते हैं। पहला आप फोर्स लिखते हैं, फोर्स किन्नी एयर की, एयर की फोर्स किन्नी होएगी, 1/4 πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। ठीक है। सो जो असी डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऐड कर दी डी, सो कि होएगी 1/4 πε0 मल्टीप्लाई बाय के की आ कोई डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। हुण ध्यान देखो बच्चे, आ सारी टर्म की आ एफ ए, सो असी लिख सकते हैं एफ ए डिवाइडेड बाय के। सो एफ डी के इक्वल आ एफ ए डिवाइडेड बाय के, यदा मतलब 1 डिवाइडेड बाय के आ, तो की होएगा इतने डिक्रीज़ होएगा। सो रीज़न की आ, डिक्रीज़ कर जाएगा के टाइम्स। ठीक है जी। जो भी असी एयर पावे बच्चे डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट जोड़ा आ उन्होंने रिप्लेस करके असी एयर इनसर्ट करा तो जी डिक्रीज़ हो जाएगा के टाइम्स। ठीक है। सो 1/k आंसर आ रहा है। सो अगे देखो, होलो मैटल सफेयर ऑफ रेडियस आर, कोई मैटल आ बच्चे वह सफेयर किन्ना रेडियस आर इज चार्ज, सो उन्होंने असी चार्ज किया, मान लो कोई इदा सफेयर आ साढ़े को जिन्हों असी चार्ज कर दिता तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा। सो दैट द पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज 10 वोल्ट, मान लो इतने पोटेंशियल इस टाइम इतने पोटेंशियल किन्ना आ 10 वोल्ट आ, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सफेयर, सेंटर मतलब ओ पॉइंट के उपर किन्ना जिहड़ा पोटेंशियल होएगा। सो बच्चे थोनू पता, सिंस पोटेंशियल इनसाइड होलो सफेयर इज सेम एज दैट ऑन द सर्फेस, सो जिन्ना सर्फेस के उपर पोटेंशियल होएगा सेम ही पोटेंशियल जिहड़ा सेंटर ते होएगा। सो आपां पढ़ लिया कि सेम होएगा, इहदा मतलब बाहर किन्ना आ 10 वोल्ट, तो सेंटर ते भी किन्ना होएगा 10 वोल्ट। ठीक है जी। सो फिफ्थ दा आंसर आ गया 10 वोल्ट। अगे आ जाओ, नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ, इन अ बीटस्टोन ब्रिज इफ़ द बैटरी एंड द गलवैनोमीटर आर इंटरचेंज, मान लो असी बीटस्टोन वाला आर्टिकल कर रहे हैं। ठीक है। बीटस्टोन वाला बच्चे इदा करके थानू याद होएगा, इदा करके बीटस्टोन वाला एक आर्टिकल किया, इधर बैटरी लगी हुई सी और इधर जिहड़ा आ गलवैनोमीटर लग्या होया सी। ठीक है जी। कहिंदे मान लो असी इन्हां नू इंटरचेंज कर दिंदे आ, मतलब इत्थे लगाती बैटरी और इत्थे लगाता गलवैनोमीटर। ठीक है। तो की फर्क होएगा, देखो बच्चे बैटरी भी स्टिल सेम काम कर रही है, गलवैनोमीटर भी डिफ्लैक्शन शो करेगा कि करंट इच फ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा, सो वह भी ऐसा ही काम करेगा, इहदा मतलब कोई फर्क नहीं पएगा। सो आंसर सिक्स का आंसर कितना आएगा, नो चेंज। ठीक है जी। अगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करैक्ट फॉर वी आई ग्राफ ऑफ अ गुड कंडक्टर, हूँ बच्चे तुम ओम्स लॉ पढ़िया होएगा, जिदा जिदा वी इनक्रीज़ हों उदा उदा आई इनक्रीज़ हों, अकॉर्डिंगली थोड़ा स्ट्रेट ग्राफ बनता है। ठीक है। बट इतने उन्होंने क्वेश्चन की क्या आ, गुड कंडक्टर, बच्चे गुड कंडक्टर कोई भी लै लो, दुनिया का कोई भी मटीरियल लै लो, वो रजिस्टेंस होएगी होएगी, इदा का कोई दुनिया का मटीरियल नहीं है जिद रजिस्टेंस ना हो, मतलब अगर असी प्रैक्टिकली देखिए कदे भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती,
ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਡ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਡ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ 7th ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੈੱਟ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉੱਤੇ ਨੈੱਟ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਨੈੱਟ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਨ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੈੱਟ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਨ ਨੋ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ? ਦ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੂ ਨੋਟ ਮੂਵ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਮੂਵ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਓਵਰ ਅ ਲਾਰਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵਿਲੋਸਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਦ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਫ ਆਲ ਦ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟ ਐਨ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਡ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਏ ਕੀ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟ ਐਨ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਆ, ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਫ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਓਵਰ ਅ ਲਾਰਜ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਐਵਰੇਜ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆਫ ਆਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਫ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਟ ਅ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੋ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਦ ਕਿਰਚੋਫਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈ ਆਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਆਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੇਅਰ ਦ ਸਿੰਬਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਯੂਜਲੀ ਮੀਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਚੋਫਸ ਲੋ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਸਡ ਆ? ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਮੋਮੈਂਟਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਿਰਚੋਫਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ, ਸੋਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਕਿਰਚੋਫਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਮਿਟ ਮੇ ਬੀ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਯੂਨਿਟ 3rd 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਿਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁੰਪੱਥਰ ਟਾਈਪ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟ ਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਬਾਰ ਮੈਗਨੈਟ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਮੈਗਨੈਟ, ਆ ਨੌਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਫੀਲ ਕਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨੌਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਬਾਰ ਮੈਗਨੈਟ ਕੀ ਆ? ਆਰ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ, ਆਰ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ। ਸੋ 12th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਐਟ ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਅ ਅਰਥ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ।
बच्चे एक हॉरीजोंटल कॉम्पोनेंट आ और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट आ, दोनों के विचकार जिहड़ा एंगल आ, ठीक है, क्योंकि तुसी उत्थे बनाया होगा कुछ इदा दी डायग्राम बनाई होएगी, ठीक है, इदा दी करके कुछ डायग्राम बनाई होनी आ बच्चे तुसी, ठीक है। सो ए वाली डायग्राम दे विच जिहड़ा कॉम्पोनेंट आ, एक हॉरीजोंटल कॉम्पोनेंट आ और एक अर्थ मैगनैटिक फील्ड एंगल ऑफ डिप, जिहड़ा ये एंगल आ बच्चे किन्ने दा बनदा आ, ये वाला एंगल किन्ने दा बनदा आ। सो 13th का आंसर आ जाएगा 45। सो यह 45 डिग्री का एंगल बनता क्योंकि हाफ हुंदा बिल्कुल सेंटर चो निकलता। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, बच्चे फ्लक्स के जोड़े यूनिट्स आ वह किन्ने हुंदे आ, 14th का आंसर आ जाएगा वैबर। नैक्सट आ जाओ, इन अ मूविंग कोयल गलवैनोमीटर वी यूज अ रेडियल मैगनैटिक फील्ड सो दैट द गलवैनोमीटर स्केल इज, हुण ध्यान देखो उन्होंने पूछा गलवैनोमीटर का स्केल किदां दा होएगा, बच्चे आ सेंटर दे विच कोयल आ और आ मैगनेट आ, ठीक है। सो सानू पता कि इदा जाके जिहड़ियां आ फील्ड लाइनज़ बनदियां आ, सो एक किदां दीआं फील्ड लाइनज़ आ, सीधिया सीधिया, ठीक है, लीनियर बनदियां आ। सो ये लीनियर हुंदियां करके आंसर किन्ना आजूगा, बी लीनियर, ठीक है। अगे देखो, अ मैगनैटिक बार ऑफ एम मैगनैटिक मूवमेंट इज़ प्लेस्ड इन मैगनैटिक फील्ड ऑफ मैगनैटिक स्ट्रेंथ बी वैक्टर, ठीक है। असी किसी बार मैगनेट नू किसी मैगनैटिक फील्ड बी दे विच रख दिता तो टॉर्क किन्ना लगेगा। सो बच्चे ये भी तुसी आर्टिकल किया होया आ, एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर थोड़ा आंसर आया होएगा टाऊ का, ठीक है, टाऊ वैक्टर इज इक्वल टू। सो बच्चे थानू रिजल्ट एज सच लर्न होने चाहिए आ। सो सीधा सीधा आंसर आ बच्चे एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। सो ये कोई समझन की जरूरत नहीं आ, सिर्फ तो अगर तुसी आर्टिकल्स किए हुए तो आर्टिकल का डायरैक्ट रिजल्ट ही पूछा होया, सो रिजल्ट आप लिख दिता। अगे आ, द मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैगनेट, एक छोटा बार मैगनेट लै लो, वो मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ की गल की गई है, डायरैक्टेड अलोंग इट्स एक्सिस लाइन एट द डिस्टेंस आर इज बी। मान लो कोई शॉर्ट बार मैगनेट आदा का, वो एक्सिस के उपर मान लो पॉइंट पी के उपर पॉइंट बी के उपर जोड़ा आ डिस्टेंस किन्ना उन्होंने क्या आया कि आर आ, वट इज़ द वैल्यू ऑफ सेम डिस्टेंस अलोंग द इकोटोरीयल, मान लो असी इकोटोरीयल दे उपर सेम डिस्टेंस रखते हैं तो किन्ना होएगा। बच्चे ऑलवेज याद रखना है, अगर सेम दे उपर रखते हैं तो मैगनैटिक फील्ड हाफ रह जाती है इकोटोरीयल दे उपर। सो किन्ना आएगा, बी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है जी। सो थोड़ा आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय टू। सो नैक्सट आ जाओ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर मैगनैटिक ससैप्टेबिलिटी, सब तो ज़्यादा बच्चे ससैप्टेबिलिटी के दी हुंदी आ, सब तो ज़्यादा ससैप्टेबिलिटी इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर मैगनैटिक ससैप्टेबिलिटी। सो फैरोमैगनैटिक की ससैप्टेबिलिटी सब तो ज़्यादा, फिर उतो घट पैरामैगनैटिक की, उतो घट डायामैगनैटिक की, सब तो वध मैक्सीमम पूछिया तो आंसर किन्ना आ जाऊगा फैरोमैगनैटिक, ठीक है जी। अगे आ जाओ, बाइट सर्विट इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलैक्ट्रॉन, कोई इलैक्ट्रॉन बाइट सर्विट लॉ दे विच मूव कर रही है, प्रोड्यूस्ड अ मैगनैटिक फील्ड, मैगनैटिक फील्ड दे विच तां की होएगा, बी इज़ परपेंडिकुलर टू वी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। सो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बी वैक्टर के दे इक्वल हुंदा है म्यू नॉट ओवर फोर पाई। सो बच्चे इत्थे फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्यू वी वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, नाल असी पा दें कैप, ठीक है, जे असी आर क्यूब की फॉर्म के लिख रहे हैं तो एन कैप पा दो। सो आ दोनों के विचकार की हो जाता, वी एंड आर की हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है, मतलब विलोसिटी मैगनैटिक फील्ड के की हो जूगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अगे आ जाओ, द मैक्सिमम करंट दैट विल बी मैजर्ड बाय द गलवैनोमीटर ऑफ रजिस्टेंस, हूँ बच्चे थानू रजिस्टेंस गिवन आ, रजिस्टेंस किन्नी गिवन आ, गलवैनोमीटर की रजिस्टेंस गिवन आ, मतलब जी किन्नी गिवन आ, 40 ओम इज़ 10 मिली अंपेयर। सो आई जी थानू किन्ना गिवन आ, 10 मिली अंपेयर। सो आई जी किन्ना आजूगा, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 अंपेयर, ठीक है। इट इज़ कन्वर्ट इन टू द वोल्टमीटर दैट हैज़ रीडिंग 50 वोल्ट, यदा मतलब वोल्टेज थानू किन्नी गिवन आ 50। द रजिस्टेंस टू बी कैलकुलेटेड इन अ सीरीज़, सीरीज़ के बच्चे तुसी रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी, आर के इक्वल हुंदी आ वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी। सो वी की वैल्यू किन्नी आ बच्चे 50, आई जी की वैल्यू किन्नी आ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस जी की वैल्यू किन्नी आ, जी किन्ना आ 40 ओम। सो 40 जीरो ना जीरो कटिया गया,
ठीक है, 5 × 10⁻¹⁰ बच्चे माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस 3 माइनस 40, सो कितना आ गया 5000 माइनस 40, 5000 चो 40 माइनस कितने तक कितना आ गया 4960 ओम, सो आंसर आ गया थोड़ा डी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंड्यूस्ड चार्ज फ्लक्स पर भी डिपेंड करती, बच्चे टाइम का ये कोई लेना देना नहीं आ, रजिस्टेंस किदा की कोयल है तो रजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी, नन ऑफ दिस मतलब विच साडा लभ रहे आंसर सानू टाइम, सो 21st का बच्चे आंसर कितना आएगा टाइम, सो बी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 22nd देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली की आ, इलैक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टाइम वेरिंग मैगनैटिक फ्लक्स, जो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी तो मैगनैटिक फ्लक्स जरा वेरी करता, सैकेंड की आ मैगनैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फ्लक्स, सो इलैक्ट्रिक फ्लक्स तो होंगी नहीं, ये मैगनैटिक फ्लक्स होंगी आ। ठीक है, फैराडेज लॉ जोड़ा आ वह मैगनैटिक फ्लक्स की वजह ना होंगे आ। ठीक है, थर्ड पढ़ लें, मैगनैटिक फ्लक्स इज एसोसीएटड विद अ मूविंग चार्ज, सो मूविंग चार्ज के नाल भी नहीं होंगे, और मैगनैटिक फ्लक्स जरा ये इलैक्ट्रिक फ्लक्स की गल की इलैक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होंगे, नन ऑफ दिस भी नहीं, सो ए आ जाएगा, बाई का आ जाएगा ए। ठीक है, अगे आ जाओ, अ मूवमेंट, सो बच्चे 23rd क्वेश्चन देखो, अ मैगनेट इज मूव टूवर्ड अ कॉयल, असी कोई मैगनेट किसी कॉयल के कोल लैके जाने, उन्होंने कहा क्विकली स्लोली दैन द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज़, मान लो साढ़े को आ कॉयल है, ठीक है, असी मैगनेट आ, कदे बच्चे असी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करवा रहे हैं, कभी स्लो मूव करवा रहे हैं, दैन की होएगा, नंबर वन लार्ज इन केस वन, फस्ट केस के ज़्यादा होएगा, पहला बच्चे आ चीज़ समझो, जो असी बहुत क्विक बहुत तेजी ना वाला जो बार मैगनेट है इनू अगे पिछे करांगे, इहदा मतलब इहदे अंदर जिहड़ी आ करंट दी प्रोड्यूस होने की कपैसिटी होएगी वह ज़्यादा होएगी, जो असी स्लोली मूव करवावांगे तो घट कह लो करंट प्रोड्यूस होएगा, सो फस्ट उन्होंने की क्या लार्ज इन केस वन, सैकेंड आ समॉल इन केस वन, फस्ट केस विच तो समॉल हो ही नहीं सकता, ठीक है, सो आ नहीं हो सकता, इक्वल टू बोथ द केसिस, दोनों केसिस के विच सेम होएगा ये भी पॉसीबल नहीं आ, क्योंकि जो असी क्विकली मतलब तेजी ना फास्ट मूव करवाने तो करंट ज़्यादा होएगा, स्लो करवाने तो घट होएगा, सो बराबर नहीं हो सकता। लास्ट आ लार्ज और समॉलर डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द कॉयल, बच्चे रेडियस से कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है, इहदा मतलब आ भी नहीं आ, सो आंसर इज वन, लार्ज इन केस ऑफ वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24th, व्हेन करंट इन द कॉयल चेंजेस फ्रॉम 5 to 2 एम्पीयर, मान लो असी करंट बच्चे चेंज कर रहे हैं साडा, ठीक है, मान लो दिस इज़ आई टू, जिहड़ा वड्डा आया बच्चे उन्हूं आई टू मान लो, दूसरे वाले नूं आई वन, सो आई वन टू आई टू, ठीक है, पहला की सी करंट थोड़ा 5 एम्पीयर to 2 एम्पीयर हो गया, तो मतलब आई वन कितना 5, आई टू कितना 2 इन 0.1 सैकेंड, सो टाइम थोनू गिवन है बच्चे 1 सैकेंड, 0.1 सैकेंड, एवरेज वोल्टेज इज 50 वोल्ट, मतलब वी गिवन आ 50 वोल्ट, क्योंकि बच्चे कुछ बुक्स के विच वी लिखिया कुछ बुक्स ने ई लिखिया, सो आपां ई ना लिखते हैं ई एम एफ। ठीक है, प्रोड्यूस द सैल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉयल, सैल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला की होंगे, ई इज इक्वल टू -LdIdt, ठीक है जी, ई की वैल्यू कितनी गिवन आ 50 वोल्ट, एल दी वैल्यू एल असी पता करना, सैल्फ इंडक्शन पता करना, डी आई किन्ना कढ़ांगे 2 - 5, वड्डे चो आई टू चो आई वन माइनस कर देना, सो 2 - 5 डिवाइडेड बाय टाइम किन्ना 0.1, ठीक है जी, सो किन्ना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय, बच्चे एक बार माइनस आ, 5 चो 2 निकाले -3, माइनस ना माइनस कैंसल हो जाना, 3 / 0.1, सो एल का आंसर कितना आ जाएगा 50 × 0.1/3, सो बच्चे एल नू सॉल्व करके देख लो, ठीक है, कैलकुलेटर थोनू अलाउड है तो आंसर आ जाऊगा 1.67। बच्चे थर्ड 25th नुमेरिकल देखो, सेम ही आ जिदा आप 24th किया, सो इनू सॉल्व करके देख लेना बच्चे, आंसर थोड़ा आएगा 5 वोल्ट, ठीक है, ट्राई करके देखना, नहीं होएगा तो आई विल एक्सप्लेन।
नैक्सट क्वेश्चन आ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी है शोन इन अ फिगर। फिगर दे विच देखो ए तो लैके बी तक जिहड़ा आ तुहाडा करंट फ्लो कर रहा। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉयल, कॉयल दे विच करंट किदां दा फ्लो करेगा। पहली गल तां बच्चे कॉयल दे नीचे आ तुहाडी वायर ए तो लैके बी तक जिहड़ी आ लूप तो नीचे आ। हुण क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ स्ट्रेट लाइन आ तां किदां दा इह जिहड़ा आ फ्लो करेगा। सो बाय लेंस लॉ द इंड्यूस्ड करंट मस्ट प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स टू काउंट मैगनैटिक फ्लक्स ऑफ ए बी। सो इनवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हुंदा जिहड़ा कि काउंट करना हुंदा। सो इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज इन द लूप, इस करके की होएगा क्लॉकवाइज होएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट। नॉट करैक्ट मतलब कोई एक स्टेटमेंट ये गलत आ बाकी सारिया ठीक आ। सो आप एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेयर वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स लिंकड विद द सर्किट चेंजिज एंड इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। बिल्कुल सही है, जिदा ही असी मैगनैटिक फ्लक्स लिंक करते हैं तो इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस हों। सो फस्ट जी ऑप्शन आ वो तो सही आ। सैकेंड देखो द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज लास्ट एज लोंग एज द चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स कॉन्टीन्यूज। कहिंदे उदों तक जिहड़ा आ मैगनैटिक फ्लक्स कॉन्टीन्यू रहेगा जदों तक उहदे विच इंड्यूस्ड ई एम एफ रहेगी। सो ये भी बिल्कुल ठीक है। नैक्सट देखो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इज गिवन बाय लेंज लॉ। कहिंदे जिहड़ी डायरेक्शन आ वो लेंज लॉ इंड्यूस्ड ई एम एफ दे विच डायरेक्शन जिहड़ी आ मैनशन करता। सो ये भी ठीक है। लास्ट आ लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चे जो मोमेंटम का कोई काम नहीं है। सो लास्ट वाली स्टेटमेंट जिहड़ी आ वो थोड़ी गलत आ। नैक्सट आ जाओ 28th ते। अ सोलेनाइड इज कनैक्टेड टू अ बैटरी। आपां कोई सोलेनाइड नूं बैटरी दे नाल कनैक्ट कर दिता सो दैट अ स्टडी करंट, स्टडी मतलब कॉन्सटेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट इफ एन आयरन कोर इज इनसर्ट इन टू द सोलेनाइड। जिदा ही बच्चे सोलेनाइड के अंदर असी कोई आयरन दिया वायरस जड़िया इनसर्ट कर दतिया तो की होएगा। डेफिनेटली बच्चे जड़िया आयरन दिया वायरस आ आयरन दिया रॉड्स या उदी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होएगी। अगर उदी रेजिस्टेंस होएगी तो उन्हें करंट नू की कर देना कट कर देना। सो करंट की हो जूगा डिक्रीज। सो यदी ऑप्शन आ जाएगी डिक्रीज। ठीक है, सो ये सोचने वाला सीगा इहदियां ऑप्शनस ना पहला देखना, पहला ध्यान ना बैठ के सोच लो कि होएगा दैन उहदी ऑप्शनस ते टिक लगा दो। ठीक है, नैक्सट नो क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। किहड़ी चीज़ एडी करंट यूज़ नहीं हुंदी। नंबर वन इलैक्ट्रिक पावर मीटर यूज़ करते हैं उहदे विच एडी करंट। इंडक्शन फनल इहदे विच भी यूज़ करते हैं। एलईडी लाइट, बच्चे एलईडी लाइट दे विच डायोड्स यूज़ करते हैं जो कि तुसी हले लास्ट यूनिट दे विच जाके पढ़ूंगे। ठीक है, सो एलईडी दे विच किते भी एडी करंट यूज़ नहीं हुंदा। मैगनैटिक ब्रेक्स इन अ ट्रेन, मैगनैटिक ब्रेक्स दे विच भी एडी करंट यूज़ हुंदा। सो इहदा आंसर की आ जाऊगा एलईडी। अगे देखो इन द इक्वेशन ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तुसी पढ़िया होएगा ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, इत्थे द नैगेटिव साइन शोज़, जिहड़ा नैगेटिव साइन आ बच्चे वो की शो करता आ। सो ये तो सानू पता ही आ कि नैगेटिव साइन की शो करता, जिहड़ा इंड्यूस्ड ई एम एफ आ दैट चेंज द मैगनैटिक फ्लक्स। ठीक है, उसनों ऑपोजिट हुंदा। सो देख लो किहड़ी ऑप्शन आ बी ऑप्शन। सो ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनिमम वेवलेंथ। सब तो घट वेवलेंथ किहदी हुंदी आ। बच्चे तुहानू एक ट्रिक दसी सी कि ट्रिक दे अकॉर्डिंगली तुसी देख सकते हैं किहदी वेवलेंथ ज़्यादा है और किहदी वेवलेंथ घट है। सो ट्रिक की सी राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, राम दा आर मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है जी, इहदा मतलब बच्चे आर की आ थोड़ी रेडियो वेव, रेडियो वेव दी जिहड़ी वेवलेंथ हुंदी आ वो सब तो ज़्यादा हुंदी आ। ठीक है, उस हिसाब नाल बच्चे जिहड़ी ब्लू लाइट आ सो ये विजिबल लाइट दे विच आ जाएगा। ठीक है, गामा रेज लास्ट विच गामा रेज आ, इहदा मतलब गामा रेज लास्ट विच या तो सब तो ज़्यादा होगी कोई चीज़ या सब तो वध होएगी। जिद्दां बच्चे रेड की वेवलेंथ
सब तो ज़्यादा या इहदा मतलब वेवलेंथ सब तो घट किहदी होएगी गामा रेज की। सो सिद्धा सिद्धा आंसर आ गया गामा रेज। सो 31st का बच्चे आंसर आ गया बी। तुसी बस आ छोटी जी ट्रिक याद रखनी है, राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। सो अदरवाइज ये मैं पहला भी बच्चे वीडियो दे विच करवा चुकी हाँ। हले तक अगर तुसी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे बच्चे ट्रिक्स भी मैं दसदी हाँ, सो शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी दसदी हाँ, ता कि तुसी जिहड़े अपने ट्रिक्स सीख सको ते तुहानू पेपर करना ईजी होवे। नैक्सट सीखो द करैक्ट ऑप्शन इफ स्पीड ऑफ अ गामा रेज एक्स रेज एंड अ माइक्रोवेव आर वी जी वी एक्स एंड वी एम रिस्पैक्टिवली विल बी। हुण देखो उन्होंने कहा वेलोसिटी किहदी ज़्यादा होएगी किहदी घट होएगी। पहली गल बच्चे स्पीड जिहड़ी आ सारी वेव्स की सेम रहिंदी आ, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही रहिंदी आ, ठीक आ। सो इहदा मतलब फ्रीकुएंसी फर्क हो सकती है, वेवलेंथ च फर्क हो सकता पर स्पीड च फर्क नहीं होएगा। सो लास्ट ऑप्शन आ जाएगी कि सारे दे सारे की आ इक्वल। नैक्सट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पेनीट्रेशन पावर, सब तो ज़्यादा पेनीट्रेशन पावर कि होंगी आ, पेनीट्रेशन पावर जिहड़ी ज़्यादा जिहड़ा अपनी जगह पर खड़ के वाइब्रेट कर सकता उन्हों पेनीट्रेशन पावर बोल दें। सो सब तो ज़्यादा जिहदी वेवलेंथ घट होवे, वेवलेंथ किहदी घट आ गामा रेज की, तो उहदी पेनीट्रेशन पावर भी सब तो ज़्यादा होएगी, ठीक आ। सो जिहदी वेवलेंथ घट आ या इदा कह सकते जिहदी सब तो ज़्यादा फ्रीकुएंसी हुंदी आ उहदी सब तो ज़्यादा पेनीट्रेशन पावर हुंदी आ। सो आंसर की आ जाऊगी गामा रेज। नैक्सट आ राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, बच्चे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सब तो व्डा उत्तों छोटा उत्तों छोटा उत्तों छोटा। सो ये भी थोड़ी ट्रिक काम आ जाएगी की करना है, राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। सो आप की करना है सब तो ज़्यादा वेवलेंथ, सब तो ज़्यादा वेवलेंथ कि रेडियो वेव की बच्चे आप डिक्रीजिंग लिखना, आप डिक्रीजिंग लिखना यदा मतलब सब तो वड्डा, सब तो वड्डा कौन आ रेडियो वेव की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा होंगी है, राम मी आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, सब तो ज़्यादा रेडियो वेव की, यदा मतलब तिना चो कोई हो सकता, रेडियो वेव तो बाद कौन आ माइक्रोवेव, किसी माइक्रोवेव नहीं आ रहा, नैक्सट कौन आ इनफ्रारैड रेज। सो इनफ्रारैड वाला सिर्फ सी आ, तो सी थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो नैक्सट भी आप चैक कर लें, इनफ्रारैड तो बाद कौन आ विजिबल रे, विजिबल तो बाद कौन आ एक्स रेज, ठीक है। सो सी थोड़ा आंसर हो गया। सो बच्चे ट्रिक्स के नाल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नैक्सट आ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रोमैगनैटिक वेव इज यूज इन मैडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सैल्स, केड़ी गामा केड़ी रेज आ जड़ियाँ बच्चे कैंसर नू साड़ दियाँ, दैट इज़ द गामा रेज, ठीक है। सो गामा रेज जड़ा थोड़ा फाइनल आंसर। सो बच्चे इस सी थोड़ा सैंपल पेपर। सो किसी भी क्वेश्चन च कोई प्रॉब्लम होवे या कुछ पूछना होवे तां तुसी पूछ सकते हैं, कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं हर क्वेश्चन नू बहुत अच्छी तरीके ने एक्सप्लेन करन दी कोशिश कीती आ, पर फिर भी जे कोई कमी रहेगी होवे तो तुसी पूछ सकते हैं। अगर तुसी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।